गाइस, मेरे चैनल प्यासी नेचुरल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूँ पिया। आज जो मैं आई हूँ वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं डिटेल में बताऊँगी साफ़ी के बारे में। साफ़ी क्या होती है, क्या उससे बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान हैं, कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, किन किन एज के लोगों को लेना चाहिए। तो जो ये आपके माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सबको मैं इस वीडियो में ख़त्म करूंगी, उन सबको रिजॉल्व करूंगी। आप पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको एक ही वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साफ़ी एकमात्र ऐसी सीरप है जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है और ब्लड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबको रिजॉल्व करता है। आपको तो पता ही होगा कि हमारे शरीर में ब्लड से ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, चाहे वो कील मुहासे हैं, चाहे वो स्किन है, चाहे वो दाग धब्बे हैं, चाहे वो हेयर्स हैं, और चाहे वो हृदय का रोग है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम है, वो ब्लड से रिलेटेड ही होती है। तो मैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में ही बताऊंगी और कब कितना कैसे लेना चाहिए, कितने एज के लोगों को कितना लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो साफ़ी है वो ब्लड प्यूरीफायर की तरह यूज़ होता है। आपको तो पता ही होगा कि अगर हमारे शरीर का ब्लड अगर साफ़ है, सुथरा है, तो हमारी स्किन अच्छी है, हमारे बाल अच्छे हैं और हमें पेट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि अगर हमारे शरीर का ब्लड अच्छा होता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का इंटेक ज़्यादा होता है। जब ऑक्सीजन का इंटेक ज़्यादा होता है तो हमारा शरीर एकदम स्वस्थ, चुस्त, दुरुस्त रहता है। साफ़ी हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है और पेट से रिलेटेड जैसे कब्ज की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, उनको भी रिजॉल्व करता है। जब आपको के पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा तो आपको तो पता ही है कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी। साफ़ी के अंदर तुलसी और नीम के गुण पाए जाते हैं, तो जो भी आपके बॉडी से स्किन में कोई भी इन्फेक्शन होता है उनको भी दूर करता है। नंबर तीन, ये आपके ब्लड को इंक्रीज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो आपका बॉडी एकदम चुस्त, दुरुस्त और हेल्दी माइंड वर्क करता है। आपने तो सुना ही होगा कि हेल्दी बॉडी एंड जिसकी बॉडी हेल्दी होती है उसका माइंड भी अच्छे से वर्क करता है। इतनी सारी चीज़ें ये इस तरीके से करता है कि आपकी बॉडी एकदम अच्छी रहती है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आपको कितनी मात्रा में इसको लेना है, कब कब लेना है। अगर आप 20 साल की एज से 40 साल की एज में हैं तो आपको एक चम्मच साफ़ी लेनी है पानी में, और आप उससे थोड़ा ज़्यादा हैं 40 साल से तो आपको हाफ स्पून, क्योंकि जब हम ज़्यादा एज के होते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो होता है तो हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी बहुत स्लो हो जाता है, तो इसीलिए हमें थोड़ा कम मात्रा में लेना, क्योंकि हम ज़्यादा लेंगे तो एकदम से रिएक्शन ना कर जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सबसे अच्छा बेनिफिट साफ़ी का तब है जब आप खाली पेट लेते हैं इसको। अगर आप खाली पेट लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन आप इसको दिन में दो बार ले सकते हैं, एक तो खाली पेट, एक खाने से 30 मिनट्स पहले। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ये आपका लेने का तरीका हो गया। अब आपको बहुत ज़्यादा फोड़े, फुंसी, इन सब की प्रॉब्लम है तो आपने सुना होगा, नॉर्मल लोग बोलते हैं कि नीम की कोमल जो पत्तियां हैं उनको खा लो, तो वो अगर आपके पास साफ़ी नहीं है तो आप वो भी ले सकते हो, क्योंकि आज इस टॉपिक पे बात चल रही है तो देन मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ, तो आप वो भी ले सकते हो या लगा सकते हो। साफ़ी आपका इंटरनल वर्क तो करता ही है, बाहर से भी वर्क करता है कि जब आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप स्किन पे इसको हाथ में लेके 1 स्पून या 1 या 2 बूंद लेके आप स्किन पे यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपके फोड़े फुंसियाँ हैं, तो ये बाहर से भी रिकवर करती है और अंदर से भी रिकवर करती है। अब बहुत से ये तो हुए थे साफ़ी के सारे फ़ायदे, कब कैसे लेना चाहिए, अब इसके नुकसान क्या क्या हैं। साफ़ी का नुकसान वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बट लोग बोलते हैं कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में अगर साफ़ी को लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टॉयलेट आता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टॉयलेट आता है अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। नंबर दो, लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों में, मतलब मैंने ऐसे पढ़ा है कि कुछ लोगों में जहाँ साफ़ी पचता नहीं है तो उनका बहुत ज़्यादा जो
बीपी है वो थोड़ा हाई हो जाता है, तो इसलिए जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो साफ़ी ना यूज़ करें और ज़्यादा यूज़ ना करें, और साफ़ी को गर्म पानी में लें, चाहे सुबह को लें और चाहे खाना खाने से 30 मिनट्स पहले लें, तो वो गर्म पानी में ही यूज़ करें। सो गाइज, आपको मैंने फ़ायदे नुकसान कब कैसे कितने एज वाले बंदे को कितना लेना चाहिए ये सब बता दिया। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुझे पूछिएगा, मैं हर कमेंट का रिस्पॉन्स देती हूँ और उस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें इसी से बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम नए नए टॉपिक्स पे वीडियो लेके आते हैं। और हाँ, मेरा इंस्टा भी है, आप उस पर भी जाके फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर भी मुझे क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हो। और अगर आपको साफ़ी बाय करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक, डिस्काउंटेड लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं और डिस्काउंटेड रेट में खरीद सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।